तो और भाई लोग क्या हाल चाल यार। अब देखो यार, आज मेरे साथ सानिया जी खेल रही थी और साथ में सानिया जी की बहन भी थी, तो मैंने सोचा यार थोड़ी ज्यादा मजा जाएगा, आज थोड़ी सा फलाट अलाट कर लेंगे उनसे। पर यार सानिया जी कहती हैं कि उससे तुम कुछ भी मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, देखो यार तुम हो तो उससे फलाट करने की क्या ही जरूरत। तो उससे फलाट तो नहीं करेंगे, लेकिन इस गेम प्ले में काफी मजा आएगा और साथ ही ये मैच इतना इंटेंस मैच है कि आपको छाता देख के ही समझ में आ गया होगा कि कितना इंटेंस है। तो यार देखो, इस मैच में सबसे खास बात ये है कि मैं एक ऐसी गन का यूज करने वाला हूँ जो कि भैया कोई भी देख के छोड़ देता है। उसका नाम है M16। पर यार आज M16 बहुत ही ज़्यादा कमाल दिखाएगी, तो तैयार हो जाओ भैया उस कमाल को देखने के लिए, और यहीं देखने को मिलेगा वो कमाल। अब देखो यार, सानिया जी लोग वहाँ उतरती हैं तो मैं बोलता हूँ फौरन मेरे पास आओ जल्दी से, और सानिया जी यहाँ आ जाती हैं और उतने में एक बोट दादा जाते हैं जिनसे भैया मैं M16 ले लेता हूँ। काम चलाओ मुन्ना नाउगन थी ये सोच के लिया था, लेकिन यार देखो बोट दादा, मैं बोट दादाओं को बोट दादा क्यों कहता हूँ वो आज आपको पता चलेगा, क्योंकि यार जरूरत में सिर्फ वही साथ देते हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ और इसीलिए दादा बोलता हूँ। अब देखो भैया, इन्होंने यार मुश्किल वक्त में AKM पकड़ा दी। अब AKM लेके मैं सीधे यार रस करने चला जाता हूँ और यहाँ से ये गेम प्ले स्टार्ट होता है। बस देखो अब क्या होगा। अब आगे एक और बंदा रहता है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भैया कि आगे मत जाना, नहीं तो सीधा पेटी बनेगी। पर यार टीममेट कहाँ मानते हैं, वो खासकर लड़की। और फिर यहाँ पे सानिया जी और सानिया जी की बहन दोनों नॉक हो जाती हैं। पर फिर जैसे तैसे भैया इन दोनों का बदला तो लेते हैं और फिर मैं DT को बोलता हूँ इसको तू रिवाइव कर, मैं अपनी वाली को रिवाइव करता हूँ, नहीं सॉरी मतलब मैं सानिया जी को रिवाइव करता हूँ। अब देखो यार, आपको तो पता है कि लड़की आपके भाई की कमजोरी है, लेकिन भैया लड़की वो ही कमजोरी है जो अपने लेवल की है, जो अपनी उम्र की है। भैया वो है जो एक और वो छोटी है यार, तो उसको DT संभाल लेगा, क्योंकि DT भी भैया काफी छोटा है यार अपन से। तो देखो यहाँ पे यार मैं इनको तो बचा लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ केस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सानिया जी की बहन पता नहीं क्यों बाहर चली जाती है और एक बंदा उनका सीधे पेटी बना देता है भैया। तो यार उनका बदला बाद में लेंगे, पर यहाँ बन दिया जाते हैं। अब देखो इनके तीन बंदे तो मैं मार देता हूँ, लेकिन चौथा बंदा भी यहीं कहीं होता है। और यार जिन तीन को मैंने मारा था, मैं सोच रहा था भैया उनकी पेटी बना दूं, पर वो मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन पर फिर वो बंदा दिख जाता है जो कि सानिया जी की बहन की पेटी बनाया होता है, तो देखो उसकी पेटी बना देते हैं और जो स्टीम का बंदा बचा होता है वो भी रस कर देता है, तो देखो यार उनकी भी पेटी बनाते हैं। अब देखो यार ये चाचा जोर थे, इसको पक्का इसके टीममेट ने गाली गाली दिया होगा, इसीलिए कुछ नहीं देखा और डायरेक्ट रस कर दिया यार भैया डर के मारे टीममेट के, और सीधा मैंने पेटी बना दी। और जो सामने बंदा रहता है वो भैया देखो सानिया जी की बहन के कातिल को रिवाइव कर रहा था, तो उसकी भी पेटी बना देते हैं। अब देखो यार यहाँ पे सारी टीम खत्म हो गई है, तो अगर आपको ये क्लच M16 का अच्छा लगा हो तो धैर्य पैर लाइक कर दो भैया, लाइक बहुत जरूरी है। अब देखो धैर्य पैर बोल दिए हैं तो भैया लोग कॉपी ओपी ना कहने लगे, तो यार देखो फटाफट लाइक कर दो। और अब इनकी पेटी एटी लूट के आगे की तरफ निकलते हैं। ऐसे नहीं करते पता है, वो मेरे पापा को बता देंगे, डर लगता है। खैर यहाँ पे सानिया जी की बहन को मैंने भैया थोड़ी सी मजे ले लिया था, तो सानिया जी कहती है ऐसे नहीं करते, पापा को बता देगी। और उतने में ही एक टीम दिख जाती है जो कि भैया फ्लेयर एलियर मंगाई होती है, तो यार इनकी पेटी बनाएंगे और काफी अच्छे से बनाएंगे, तो ध्यान से देखना एक बंदा यहीं आ चुका है।
अब देखो उस बंदे को तो डीटी नॉक कर देता है, लेकिन उसकी टीममेट भी रहते हैं जो कि भैया काफी जानलेवा हैं और सैक से टुक टुक गोली चला रहे हैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। तो मैंने बोला यार देखो दो प्लेयर गिरी ही गई हैं, तो तीसरी भी गिराई देते हैं, शायद और भी टीम जाए और भी भसड़ हो जाए। पर यार कोई नहीं आता, सिर्फ दो बंदे बचे होते हैं इनके। और आपको तो पता ही है यार कि मैं काफी ढीठ हूँ, तो मैं भैया देखो उनकी फ्लेयर भी लेके आ जाता हूँ, लेकिन उनकी फ्लेयर में AWM नहीं मिलती, लेकिन अपनी फ्लेयर में सब मिल गया भैया, जो जो चाहिए था सब मिल गया, एक ऐसी गन जिससे पाप नहीं पड़ेगा। तो यार अब देखो उसने DT की पेटी बनाई है, तो भैया अब उसकी भी बारी। अब देखो एक चाचा को मैं नॉक कर देता हूँ, पर दूसरे भैया काफी देर से नहीं दिख रहे होते हैं, सिर्फ यही बस गोली चला रहे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ सानिया जी से भैया गाड़ी निकालो, सीधे रस करना है। अब मेरे को डर तो लग रहा था क्योंकि सानिया जी गाड़ी चला रही थी, और वो डर क्यों लग रहा था वो अभी ही आपको पता चलेगा, ध्यान से देखना। क्योंकि यार मेरे को पता था सानिया जी ऐसी जगह में जाके ठोकेंगी गाड़ी कि भैया सीधा बंदा उनकी पेटी बनाएगा, और देखो पेटी बन भी जाती, लेकिन यार आपका भाई भैया मरने नहीं देगा सानिया जी को, कसम खाया है, जन्म जन्म का साथ दिए हैं तो भैया नहीं मरने देंगे। तो भैया देखो इनकी पेटी लूट लेते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। और फिर मैं आ जाता हूँ जॉर्ज पुल, और जॉर्ज पुल में जब मैं आता हूँ तो एक गाड़ी सामने से जा रही होती है, तो मैं बोलता हूँ भैया गोली चलाओ। अब देखो गोली DT भी चलाता है और वो लोग भी चलाते हैं, पर आपको यहाँ पे एक मजेदार सीन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना। पर वो लोग भैया चार रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ फौरन घर के अंदर घुस जाओ, नहीं तो गलत सीन हो सकते हैं। और देखो अब क्या ही सीन देखने को मिलेगा। अब ये क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बंदा ऑफलाइन हो गया था, और भैया गलती से इसने जब ऑनलाइन था तो दौड़ने वाली बटन में क्लिक कर दिया था, तो भैया ये सीधा यार पहुँचने लगा था पता नहीं कहाँ की तरफ। और यार ऐसा ही सीन मेरे साथ भी एक दिन हुआ था, मैं पोचिंकी में बाइक से ऑफलाइन हुआ था और मिला था प्रीमॉक्स में। तो भैया ऐसे गलत सीन होते रहते हैं, पर फिलहाल इनकी टीम बची है आगे जो कि यार दरवाजा लगा लेती है, तो मैं बोलता हूँ भैया रस करो और हम निंजा टेक्निकल जमाओ, तभी इनकी पेटी बना पाएंगे। अब देखो मैं ऊपर आ जाता हूँ और मुझे फुटस्टेप भी आने लगती है, पर बंदे नहीं दिखते, तो मैं सोचता हूँ बम बबूरा ट्राई किया जाए। अब देखो यार इन चाचाओं की पेटी तो मैं बना देता हूँ, लेकिन यार मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि यार जब मैं बम बबूरा फेंक रहा था तब भैया मैंने तीन तीन बंदे देखे थे यार, उसके बाद भी मेरा बम बबूरा इतना कमजोर और इतना सस्ता कि यार एक भी बंदा नॉक नहीं हुआ यार, तो काफी शर्मसार वाली बात हो गई थी, बहुत बुरा लग रहा था उतने टाइम। पर फिलहाल देखो जैसे तैसे पेटी बना दी है और आ जाते हैं इस सकॉर्ड हाउस के पास, और यार यहाँ पे मुझे एक बंदा सकॉर्ड हाउस में आते हुए दिखता है, तो मैं बोलता हूँ भैया उससे पहले अपन पहुंच जाएं तो पेटी बना देंगे अपन उनकी, नहीं तो वो भी बना सकते हैं। अब दो बंदे तो मुझे आगे दिखते हैं, लेकिन एक बंदा बिल्कुल पास में होता है। अब देखो यार इन चाचा की पेटी तो सीधा बना देते हैं, लेकिन इनके टीममेट भी होते हैं। अब देखो एक बंदे की और पेटी बना दी थी, लेकिन अभी भी दो बचे हुए होते हैं। अब देखो एक हमारे लेफ्ट में होता है और एक सामने की तरफ, तो मैंने पहले बोला भैया सामने वाले की पेटी बनाई जाए, लेफ्ट वाला मेरे को कमजोर सा समझ में आ रहा है, तो सामने वाला समूह का मुख करता है।
और इन चाचा की भी पेटी बना दी जाती है। और अब बचा भैया इस टीम का एकमात्र ऐसा बंदा जो कि मेरे को हर दिन मिलता है, देखो कौन, आप खुद ही समझ जाओगे। और ये वही चाचा हैं जो कि डेली मेरे साथ लुकनी टीप खेलते हैं, लेकिन जल्द ही पकड़ में जाते हैं। पर फिर भी भैया इनकी कोशिश कभी खत्म नहीं होती डेली लुकनी टीप खेलना है इनको, पर डेली पकड़ में जाते हैं। पर फिलहाल देखो इनकी पेटी बना दी है, लेकिन ऊपर से भैया पहाड़ी की तरफ से कोई हमारे ऊपर गोली उली चला रहा होता है। तो मैं बोलता हूँ भैया पहले जोन में जाओ और फिर इनको देखो। पर यार फिलहाल देखो एक बात याद आ गई है कि सानिया जी के पास दो दो प्लेयर रखी हैं, मिलिट्री बेस से नहीं चलाई और अब जिद कर रही हैं चलाने की। तो मैं बोलता हूँ नहीं चलाने दूंगा, और देखो फिर वो क्या ही बोलती हैं। अब तो दो प्लेयर है मेरे पास। अब सानिया जी को कौन समझाए कि यार जितने प्यार से आपने बोला उतने प्यार से आप अगर मोदी जी को भी बोल दोगी ना, तो भैया वो लॉकडाउन भी बंद कर देंगे। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, तो चला लो प्लेयर। अब एक चाचा मेरे को दिखते हैं, भालू वाले चाचा। देखो उनको मैं बॉडी शॉट तो देता हूँ, पर एक चाचा और होते हैं जो कि यही मेरे पास में लेटे हैं, समूह का मुँह कर रहे हैं अपने टीममेट के लिए। और एक और बंदा दिख जाता है जो कि ड्रॉप लूटने जा रहा है, तो पहले उनकी पीटी बनाई जाए। अब जब मैं इनको नॉक करता हूँ और उतने में ही देखता हूँ जॉन तो 3 सेकेंड बचे होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया ये जॉन में मर जाएंगे, इसलिए जल्दी से गाड़ी निकालो, गाड़ी से पेल दो इनको, नहीं तो किल का लॉस हो जाएगा। पर यार जॉन 1.25 इंच वाला हो गया था, और यार 1.25 इंच के जॉन के सामने मेरी ढीठता भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो मैं भैया फौरन वापस ले लेता हूँ, और यार यहाँ से पेटी बनाते हैं। आप बोला तो। अब देखो यार इन चाचाओं की पेटी तो मैं बना देता हूँ, पर मैंने आपको बताया ही कि 1.25 इंच का जॉन मेरे से भी ज़्यादा ढीठ है, और उसने मेरी एक किल भी चुरा ली, मतलब उसकी किल नहीं मिली मुझे जिसको मैंने पहले नॉक किया था। तो यार देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे की तरफ आते हैं, और यहाँ पे एक टीम होती है, और फिर एक बंदा भी दिख जाता है। अब देखो इन चाचा को नॉक करता हूँ और मैं बोलता हूँ रस कर दो, पर इस घर में भी बंदा होता है, लेकिन ये चाचा मुंडी नहीं निकाल रहे होते, तो मैं बोलता हूँ भैया रस करो, और देखो बस अब आप। तो भैया जैसे ही पास में आते हैं वैसे ही 4-4 फुट सटे पानी लगती हैं, 2 इस घर से और 2 सामने वाले घर से जो कि बाजू में है इसके। तो मैं बोलता हूँ भैया पहले बाजू वाले घर वालों की पेटी बनाई जाए, क्योंकि यार उनको पहले नॉक किया था। तो यार यहाँ पे मैं बम बबूरा ट्राई करने की सोचता हूँ, और देखो बस। और यार बम बबूरे से एक नहीं दो दो बंदे नॉक हो जाते हैं, पर मुझे लगता है एक बंदा नॉक हुआ है। तो मैं बोलता हूँ भैया रस करो और देखो फिर क्या होता है। देखो यार इन 3 बंदों की पेटी तो बना देते हैं, पर मुझे लगता है एक बंदा बाजू वाले घर में है, लेकिन वो बंदा भैया उस घर में होता है जिस पे हम पहले रहते हैं। तो मुझे लग रहा था कि जो बाजू वाले चाचा हैं वो अभी भी यहीं हैं, और वो जो बंदा है वो अलग टीम का है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो यही चाचा होते हैं इसी टीम के, और वो M24 चला रहे होते हैं। अब चाचा मुंडी नहीं निकालते, तो मैं बोलता हूँ भैया आगे रस करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब देखो मैं चाचा को इतना डैमेज देता हूँ ग्रोजा से कि मैं समझ गया था कि वो मुंडी नहीं निकालेंगे, तो मैं भैया फुल चौड़ में रस करता हूँ, और वो चाचा पीछे की तरफ छलांग मार देते हैं।
और इनकी पेटी बना दी जाती है, पर जब इनकी पेटी बनाता हूं तभी। यार एक बंदा दिखता है जिसको भैया गलती से हेडशॉट नहीं पड़ता और फिर वो उचकने लगता है, तो मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ नहीं पड़ा, नहीं तो सीधा इनकी पेटी बनती। और सुनो फिर गन फेंको। यहाँ पे डीटी कहता है भैया कि यार गन छोड़, पर मुझे लग रहा था कि वो चाचा कह रहे हैं, तो मैं कहा यार देखो तुम एक तो पहले ही निहत्ते हो, अकेले हो, और तुम हमें से काहे कहने लगे, हम तो वैसे भी पेटी बना सकते थे तुम्हारी। लेकिन फिर पता चलता है डीटी ने कहा पेन तो दे। और यार फिर ये चाचा कहते हैं पेन फाइट करनी है, तो मैं बोलता हूँ आ जाओ और देखो बस कहे तो तुम्हारा बाप अरे देख तो क्या मेरे को तो मार रहा है ये अब देखो मैं सच बताऊं तो मैंने ये सोच के आया था कि इन चाचा को भैया चिकन डिनर दे दूंगा, लेकिन चाचा ने यार पेन फाइट की डिमांड कर दी, उस वजह से चाचा की पेटी बनानी पड़ी। खैर यार अब बात करते हैं विशेष मुद्दे में। तो यार मुझे नहीं पता कि आज का वॉइस ओवर मैंने फनी वे में किया या किस वे में किया, लेकिन सच बताऊं तो आज मैं काफ़ी सैड हूँ। मैंने 100 के जब मेरे हुए थे तो यही सोचा था कि यार मैं काफ़ी खुशी से आप लोगों के लिए गिव अवे रखूंगा, और आज मैं उतना ही सैड हूँ कि आखिर मैंने गिव अवे रखा ही क्यों। यार देखो 5 विनर चूज किए थे मैंने, 5 जीते, उनको मिल भी गया, लेकिन बाकी मुझसे ऐसे सैड हो गए जैसे यार क्या ही बताऊं। अब आप खुद सोचो यार मैं 100K की फैमिली है, 100K को तो दे नहीं सकता ना यार, इतनी तो गुंजाइश नहीं है मेरी भी। तो 5 विनर रखे थे, 5 विनर को दिया, बाकी मेरे सब्सक्राइबर जो थे उनमें से कुछ सब्सक्राइबर मेरे से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि अनसब्सक्राइब करके ही चले गए। यार ऐसा क्यों भाई? यार अब मैं उधर पर भेदभाव करता तो बाकी सबके साथ भी भेदभाव होता, इसलिए मैंने ईमानदारी से काम किया, आपको कमेंट पीकर में दिखाया सब कुछ, उसके बाद भी आप लोगों को इतना बुरा लगा। अब मैं क्या करता, मैं आप बता दो, मुझे एक ऑप्शन दे दो कि मैं करता क्या जिससे मैं आप सबको खुश रख सकूँ। यार मैं काफ़ी सैड हूँ, पर खैर जैसे तैसे आज की वीडियो निकल गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।